तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी ने एक बार फिर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की नकल उतारी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पश्चिम बंगाल में रविवार को एक सभा में अपने संबोधन के दौरान बनर्जी ने उपराष्ट्रपति का दोबारा मजाक उड़ाया। बांग्ला में बोलते हुए बनर्जी ने कहा कि वो मिमिक्री करते रहेंगे, ये एक आर्ट है, अगर जरूरत पड़ी तो ऐसा हजार बार भी करेंगे। कल्याण बनर्जी ने कहा, मेरे पास अपने विचार व्यक्त करने के सभी मौलिक अधिकार है, आप मुझे मार सकते हैं लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं लड़ना जारी रखूंगा। पश्चिम बंगाल में सभा को संबोधित करते हुए बनर्जी ने आगे कहा, मेरा किसी को ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है, हालांकि मेरा एक सवाल है, क्या वो सच में राज्यसभा में ऐसा व्यवहार करते हैं? मिमिक्री एक आर्ट है और ये 2014 और 2019 के बीच लोकसभा में पीएम द्वारा भी की गई थी। मिमिक्री को लेकर उपराष्ट्रपति ने रविवार को भी अपना दर्द जाहिर किया। वो आवाज पर इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस प्रोबेशनर्स के बैच को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान धनखड़ ने कहा, एक पीड़ित ही जानता है कि उसे क्या सहना पड़ता है, उसे सभी का सामना करना है, हर किसी से अपमान सहना है, किसी भी फिर भी एक ही दिशा में बढ़ते रहना है, जो रास्ता भारत माता की सेवा की ओर जाता है। उन्होंने कहा कि भारत माता की सेवा करने के लिए आपको लोगों से आलोचना सहना भी सीखना होगा। मैं एक संवैधानिक पद पर हूँ, इसके बावजूद लोग मुझे नहीं बख्शते, कैसे मेरी मानसिकता बदलनी चाहिए, कैसे मुझे अपने रास्ते से भटक जाना चाहिए? नहीं, हमें हमेशा धर्म के रास्ते पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। हम पर सवाल उठाने लोग पुराने आलोचक हैं, जिन लोगों का पाचन तंत्र हमारे विकास के लिए खराब है उनसे कभी डरना नहीं चाहिए।